नीट के बाद नेट की परीक्षा में धांधली हुई। नीट तो नहीं लेकिन नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई, जबकि जी न्यूज लगातार इस बात के एक्सक्लूसिव सबूत दिखा रहा है कि कैसे नीट का पेपर लीक हुआ। और अब रोज रोज ऐसे गवाह सामने आ रहे हैं जिनके बाद इस बात में शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि नीट का पेपर लीक हुआ था। तो सवाल यह है कि अगर नेट की परीक्षा रद्द की गई तो नीट की क्यों नहीं, जबकि नीट परीक्षा में तो पेपर लीक, सेंटर सेटिंग और पेपर सॉल्वर गैंग तक पकड़े जा चुके हैं। और आज हम बिहार में नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों के कबूल नामे दिखाएंगे, जिसके बाद एनटीए या सरकार कोई ये नहीं कह पाएगा कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था। बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 9 आरोपियों का कबूलनामा जी न्यूज के पास मौजूद है, जिसकी कॉपियां आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन कबूलनामों का एक एक शब्द इस बात की गवाही दे रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि इन कबूलनामों में क्या लिखा है। ये बिहार नीट पेपर लीक के 3 आरोपियों के बयान की कॉपी है। तीनों के नाम है सिकंदर, नीतीश कुमार और अमित आनंद। तीनों के नीट पेपर लीक में शामिल होने के आरोप है, जिन्होंने आरोप कबूल किए जो आईपीसी की धारा 161 के तहत लिए गए बयान में दर्ज है। अब ये तीनों बयान में क्या कह रहे हैं आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले सिकंदर का कबूलनामा आपको बताते हैं। सिकंदर अपने बयान में कह रहा है कि उसे अमित आनंद और नीतीश कुमार ने बताया था कि वो किसी भी परीक्षा में पेपर लीक करवाकर बच्चे को पास करवा देते हैं। आरोपी सिकंदर बयान में ये भी कहता है कि उसने 4 बच्चों को लीक पेपर देने के बदले 40-40 लाख रुपए में बात की थी। अब अगला कबूलनामा नीतीश कुमार का है, जो ये कह रहा है कि उसने और अमित आनंद ने ही सिकंदर को बताया था कि नीट के लीक हुए पेपर के लिए प्रति छात्र 32-32 लाख रुपए लगेंगे। उसने ये भी बताया कि उसके घर से ही लीक हुए पेपर के अवशेष पुलिस ने जब्त किए थे। तीसरा कबूलनामा आरोपी अमित आनंद का है, जिसने बयान दिया है कि उसके घर से नीट के एडमिट कार्ड और लीक पेपर और उसके उत्तर वाले कागजों को पुलिस ने जब्त किया था। उसने ये भी कबूल किया है कि वो पहले भी कई पेपर लीक में शामिल रहा है। अब ये तो हो गए आरोपियों के कबूलनामे, जो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने पेपर लीक किया और लाखों रुपए में बेचा। अब हम आपको उन छात्रों के कबूलनामे बताते हैं जिन्होंने आरोपियों से लीक पेपर लेने के लिए लाखों रुपए दिए। शिवनंदन कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, आयुष कुमार, ये सब नीट में बैठे वो छात्र हैं जिन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने 32 लाख रुपए में लीक पेपर खरीदा था और सिकंदर ने उनको नीट पेपर वाले दिन से पिछली रात को ही नीट का पेपर देकर उसमें दिए गए सवाल रटवाए थे। इन सब ने ये भी कबूला है कि जिन सवालों के जवाब उन्हें रटवाए गए थे वही सारे सवाल नीट पेपर में आए थे। तो ये वो सारे कबूलनामे हैं जो ये साबित करते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था। लेकिन इसमें एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो नाम है सिकंदर। तो आखिर सिकंदर कौन है? आपको पुलिस की गिरफ्त में जो शख्स दिख रहा है वही सिकंदर है। सिकंदर बिहार जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर पद पर तैनात था, बाद में वो नगर विकास विभाग में आ गया था। आरोपी सिकंदर जूनियर इंजीनियर बनने से पहले ठेकेदार था, इससे पता चलता है कि उसकी पहुंच कहां तक थी। और इसी पहुंच का फायदा उठाकर सिकंदर ने पटना के एनएचएआई गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया था, जिसमें उसने छात्रों को बुलाकर लीक पेपर में दिए गए प्रश्नों के उत्तर रटवाए थे। अब खुलासा यह हुआ है कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार के फोन पर एनएचएआई गेस्ट हाउस में सिकंदर का कमरा बुक हुआ था। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे जुड़े सबूत भी पेश किए हैं। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला,
और लोग वहां पर रुक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के द्वारा मनगढ़ंत और राजनीतिक से प्रेरित आरोप है। आप देखिए जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव हुआ, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का इस लोकसभा चुनाव में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट बढ़ा है, यानी लोगों का विश्वास हम पर बढ़ा, लोगों की उम्मीद हमसे है, और यह पॉलिटिकल रूप से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को डमरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। सारे सबूत, सारे गवाह इशारा कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन ना तो एनटीए और ना ही सरकार अभी तक ये मानने को तैयार है कि वाकई पेपर लीक हुआ। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर नेट का पेपर रद्द हुआ तो नीट का क्यों नहीं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या पेपर रद्द करने से समस्या खत्म हो जाएगी? क्या एनटीए पर सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या एनटीए को रद्द नहीं किया जाना चाहिए? फिलहाल सरकार कह रही है कि वो एनटीए की भूमिका की जांच कर रही है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाए हैं। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमिटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। कल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कल एक बार फिर पूरी दुनिया भारत की योग शक्ति देखेगी। दुनिया भर से योग की तस्वीरें आएंगी। 21 जून को भारत में योग का एपिसेंटर अक्सर वो जगह होती है जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद लोगों के साथ योग करते हैं, और कल ये एपिसेंटर कश्मीर की डल झील होगी। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी की आज कश्मीर से आई पहली तस्वीर देखिए। ये पहली तस्वीर बड़ी खास है। प्रधानमंत्री 2 दिन की यात्रा के पहले पड़ाव यानी श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंचे तो उनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। और ये तस्वीर इसलिए खास बन गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी पुष्प वर्षा करके उन लड़कियों का स्वागत किया जो उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने SKICC में एक एग्जीबिशन भी देखी और वहां पर युवाओं से बात भी की। प्रधानमंत्री इस दौरे में कश्मीर के लिए कई तोहफे भी लेकर गए। वो क्या क्या सौगाते हैं आगे उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको डल झील की ओर ले चलते हैं जहां कल 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होना है और जिसके लिए ही प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर पहुंचे। प्रधानमंत्री का डल झील पर योग करना क्यों इतना अहम है, इसके पीछे क्या संदेश है और कल के दिन को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, पहले वो दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पर डल झील के उस इलाके की सैर कीजिए जहां कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होना है। साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बंदोबस्त देखिए। प्रधानमंत्री की 2014 के बाद से ये 25वीं और तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद ये पहली कश्मीर यात्रा है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में एक भव्य समारोह हो रहा है और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी शामिल होंगे। ये जो आप SKICC का यहाँ पर बोर्ड देख रहे हैं, इसके पीछे SKICC जो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है, वहाँ पर ये समारोह इसके बैकलॉन्स में डल लेक के बिल्कुल किनारे जो है इसको आयोजित किया गया है। और यहाँ पर इस वक्त सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो प्रधानमंत्री की निजी सुरक्षा होती है SPG, उसके हवाले ये वेन्यू जो है कर दिया गया है। और चप्पे चप्पे पे आपको मैं बता दूं, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि ये समारोह जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो। समारोह की बात करें तो करीबन 9000 लोग जो है प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर जो है योग करेंगे, और इसके अलावा वर्चुअली हर ज़िले से लोग जो है जुड़ेंगे। उस समय 21 तारीख सुबह जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, प्रधानमंत्री यहाँ खूबसूरत डल लेक के किनारे जो है योग करते हुए दिखेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी सुबह 6:30 बजे डल झील के किनारे योग करेंगे।
प्रधानमंत्री के साथ तकरीबन 7,000 से 8,000 लोग भी योगासन करेंगे। 2024 के योग दिवस की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। प्रधानमंत्री के साथ योग करने को लेकर यहाँ लोगों में क्रेज है। कई लोगों ने योग की बकायदा ट्रेनिंग ली है। प्रधानमंत्री हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं हमारे शहर में, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आज हो रहा है कश्मीर में, जो यहाँ भी योगा हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए। मुझे यहाँ बड़ा खुला मौसम, खुला बेफिकर, मैं अब कहीं भी घूम सकती हूँ। मैं जरूर यहाँ तब्दीली भी महसूस की है, लोग बाग स्वेच्छा से सुरक्षित महसूस और कर रहे हैं, और इवन जो यहाँ के लोकल ये चलाने वाले शिकारा चलाने वाले बंदे हैं उनसे भी बात की है, कई बंदों से मिले। इवन यहाँ मीना मार्केट में मैं गया हूँ, तो वहाँ भी उन लोगों ने कहा है कि भाई पहले से हम उनका व्यापार भी बढ़ाया। यहाँ पीएम मोदी भी आने वाला है, वो भी स्पेशली इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए, तो आज यहाँ आकर हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी उन्हें ज्वाइन कर पाएंगे। योग तो कल होगा, लेकिन कश्मीर में प्रधानमंत्री का ध्यान पहले से ही लगा हुआ है और आगे भी लगा रहेगा। इसके संकेत प्रधानमंत्री ने आज पहले ही दे दिए। प्रधानमंत्री ने कश्मीर के मन की दो बड़ी बातें आज फिर दोहराई। पहली, जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव होंगे, और दूसरी, जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा भी बहुत जल्द मिलेगा। शेरे कश्मीर सेंटर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग JNK कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कश्मीर की सारी चिंताओं को लेकर आज क्या क्या कहा वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले तोहफों की वो लिस्ट देखिए जो प्रधानमंत्री अपने साथ लेकर गए। प्रधानमंत्री इस दौरे में 1500 करोड़ के 84 प्रोजेक्ट लेकर कश्मीर पहुंचे हैं। इनमें 150 करोड़ की 50 जलापूर्ति योजनाएं, 54 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, 51 करोड़ के हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट और 24 करोड़ के चिकित्सा उपकरण है। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए है। इसका सीधे सीधे 3 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। और अब सुनिए, योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कहा है और अपने तीसरे कार्यकाल के विजन में कश्मीर पर उनका खास फोकस है। ये प्रधानमंत्री ने जल्द चुनाव और जल्द ही फिर से राज्य का दर्जा देने के वादे से ही साफ कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें, इससे बेहतर और क्या होगा। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। जी